तो आज की वीडियो में कनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इंक्लूडिंग मेरे एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा जहां मैं एग्जाम देने गया था और मैंने स्टडी स्ट्रैटेजीज क्या यूज़ की एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और अगर आपने ये कोर्स अभी नहीं लिया है या आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये आपको यूजफुल हो सकता है या नहीं। थोड़ी बहुत कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये आपको आपके करियर प्रोग्रेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। तो होपफुली आपको थोड़ी वैल्यू मिलेगी इस वीडियो से। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैंने क्यों डिसाइड किया ये कोर्स लेने के बारे में। देखो, मैं आपको सच सच बताऊं तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी जो डिग्री है वो इंजीनियरिंग डिग्री थी और उसके बाद मैं सॉफ्टवेयर की जॉब कर रहा हूं अभी बैंक में। तो देखा जाए तो मेरा एक्चुअली इस कोर्स से कोई आता नाता नहीं है। तो फिर मैंने ये कोर्स क्यों लिया, ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंटरेस्टेड था और मैं इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स कैसे और कैनेडा की इकोनॉमी खास करके कैसे काम करती है वो जानने में इंटरेस्टेड था। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो और मैंने देखा और इसमें काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लग रही थी। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं अभी क्या एक्सपीरियंस रहेगा। मोर ओवर काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शंस भी खुल सकते हैं ये कोर्स देने से। तो मैंने देखा कि आगे जो डाउन द लाइन काफ़ी सारी स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप जा सकते हो, तो ये कोर्स एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आपको सर्व करता है, इसलिए मैंने ये कोर्स लेने के लिए डिसाइड किया। तो फाइनली अब जब मैं कोर्स ये ख़त्म कर लिया है तो एक्चुअली मेरे को इसमें से जो यूज़फुल चीज़ें मिली हैं मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी यूज़फुल रहा है मुझे ओवरऑल जो कैनेडा की इकोनॉमी के बारे में जानने में, खास करके कुछ चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे मैं पहले काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स कैसे काम करते हैं और ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट करते हैं और मार्केट को कैसे इफेक्ट करते हैं, और तो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कुछ टेक्निक्स और सिक्योरिटीज जनरली कनाडा में क्या उनकी रेगुलेशंस हैं उसके बारे में मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली है। और प्लस एग्ज़ाम की सर्टिफिकेशन तो ऑब्वियसली इज़ अ प्लस पॉइंट। सो आपको एक बैज मिल जाता है लिंक्डइन पे लगाने के लिए और अगर आप 80% से ऊपर स्कोर करते हो तो वो आपको एक वॉल सर्टिफिकेट भी देते हैं, पर मेरा 80% तो नहीं थे। मैंने ये कोर्स को सिर्फ 69% से क्लियर किया है। 69। अच्छा, तो अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एग्ज़ाम की। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ यहाँ पे कॉस्ट है $1620। तो ये वाला पैकेज मैंने लिया था, CSE वैल्यू पैक कॉम्बो, और मुझे इसका काफ़ी बेनिफिट हुआ है। मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली मैंने क्या इसमें से चीज़ें कैसे यूज़ की अभी आगे आने वाले सेक्शंस में। बट ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1620 हमेशा इसका प्राइस नहीं रहता। अगर आप इस कोर्स को अराउंड दिसंबर, क्रिसमस या कोई और हॉलीडेज़ आ रही हैं, फैमिली डे आ रहा है, उसके आसपास लोगे तो आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि मोस्टली इस वेबसाइट पे अलग अलग ऑफर्स आए रहते हैं, तो उन पे ज़रूर आप नज़र रखना। और कभी फुल प्राइस आपको पे नहीं करना पड़ेगा, मोस्टली अगर आप फेस्टिवल्स के आसपास लोगे ना तो आपको काफ़ी ऑफर्स मिल जाएंगे। जैसे अभी देखो यहाँ पर ऑफर आया हुआ है, एनरोल बिफोर March 31 गेट स्टडी टूल्स वर्थ 205 फ्री। तो होपफुली जब आप एनरोल करने लगोगे वो आपको $205 का डिस्काउंट दे देगा CSE वैल्यू पैक कॉम्बो में। तो ऑफर्स आ ही रहते हैं तो फुल वैल्यू आप मत पे करना, ये एक लाइफ हैक है मैं आपको बता रहा हूँ लेने से पहले। अगर ले भी लिया है तो होपफुली अगर आपने फुल पे कर दिया है तो आप कोशिश कर लो कि कस्टमर सर्विस को एक बार कॉल करके देख लो कि अगर वो आपको आपका बाकी का वैल्यू रिफंड करते हुए तो होपफुली आपको उससे बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, अब मैं अपने एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैसा था। तो पर्सनली मैंने ऐसा फील किया, देखो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में और ना ही मैंने पहले कुछ पढ़ा था, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने पढ़ी थी सारी स्क्रैच से पढ़ी थी और जो भी इसमें बुक में लिखा हुआ था मेरे को पहले कुछ नहीं आता था, मैंने शुरू से पढ़ा था। तो एग्ज़ाम एक्चुअली जो डिफ़िकल्टी लेवल था मैं कहूँगा थोड़ा सा मीडियम था, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस ट्रिकी भी थे और मोस्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन थे जिनमें आपको ये चेक करना होता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है। तो कई बार काफ़ी कंफ्यूजन भी हो जाती है, तो अगर आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट्स की तो हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो आपको एग्ज़ाम लेने में। तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। जो मेमोराइजेशन है वो मे बी लाइक 40-50% थी, बट मोस्टली जो उसमें कॉन्सेप्ट्स थे उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उस पर एग्ज़ाम ज़्यादा फोकस था। एक और चीज़ भी एग्ज़ाम फोकस करता है वो है कि एग्ज़ाम आपको इस तरह से लिया जाता है कि वो मानते हैं कि आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो, तो इस तरह पे बेस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे कि इस क्लाइंट की ये सिनेरियो है उसको उसके लिए आपका कौन सा प्रोडक्ट आप रेकमेंड करोगे, या इस क्लाइंट का ये सिचुएशन है उसके क्या टैक्स इम्प्लीकेशन या टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इस तरह के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, और हालांकि इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी थे, न्यूमेरिकल्स मतलब जैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, पर मैंने ये पाया कि अराउंड ओनली 5% ऑफ क्वेश्चंस ना सिर्फ कैलकुलेशंस वाले, सिर्फ 5% क्वेश्चंस ही थे। और मेरे को एक्चुअली कैलकुलेटर एक्चुअली एग्जाम में सिर्फ 2 या 3 बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी और ज़्यादा बार ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिस कंप्यूटर में आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो अगर आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करते हो
तो उस कंप्यूटर में भी आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, तो आपको एक्चुअली लेने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर। लेकिन एक जगह जहाँ मैं कैलकुलेटर रेकमेंड करूँगा वो है जब वो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकालनी होती हैं और कैलकुलेटर में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो वो यूज़ करके आप जैसे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं कैलकुलेटर से, और ये चीज़ें आपके वर्चुअल कैलकुलेटर में नहीं अवेलेबल होती। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि कैलकुलेटर आप ले लो टू बी ऑन द सेफ साइड, बट अदरवाइज ज़्यादा यूज़ नहीं होती कैलकुलेटर की। तो अगर आपका बहुत अच्छा नॉलेज लेवल है इस टॉपिक्स के ऊपर, तो अगर आप कैलकुलेटर वाले क्वेश्चन मिस भी करते होगे तो भी आप पास हो सकते हो, और पास होने के लिए आपको सिर्फ चाहिए 60% और इससे ऊपर इट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस एग्जाम, तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं फर्स्ट टाइम में अगर आप क्लियर कर लो। एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस के बारे में बात कर लेता हूँ। मैंने दो एग्ज़ाम्स बुक किए थे एक ही सेंटर में, और मेरा सेंटर था 425 ब्लोअर स्ट्रीट वाला जो टोरंटो में है, और वो प्रो मैट्रिक टेस्ट सेंटर है। मैंने उसके रिव्यूज़ पढ़े थे ऑनलाइन, और ऑनेस्टली मैं थोड़ा डर गया था रिव्यूज़ देख के, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बोला हुआ था कि वहाँ आपका स्टाफ अच्छा नहीं है और आपको मिसट्रीट करते हैं। लेकिन पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मुझे जो वहाँ पे लेडी थी वो थैंकफुली काफ़ी अच्छी थी, और मेरा उन्होंने काफ़ी पोलाइटली बात की, उन्होंने मेरे को मदद की, और पहले एग्ज़ाम के टाइम पे मैं कैलकुलेटर भी भूल गया था, तो उन्होंने मेरे को हेल्प करके उन्होंने एक्चुअली मेरे को एक कैलकुलेटर भी प्रोवाइड कर दिया। तो काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ था, तो मे बी वो रिव्यूज़ काफ़ी पुराने होंगे, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा जो 425 ब्लोअर स्ट्रीट वाला जो टेस्ट सेंटर है, प्रो मैट्रिक टेस्ट सेंटर, मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। ओवरऑल बिल्डिंग में भी काफ़ी शांति है, ज़्यादा शोर नहीं होता, और काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है, उन्होंने सब कुछ सेट किया हुआ है आपका, आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है वहाँ पे, जाके आप आराम से काम कर सकते हो। नॉइस प्रूफ रूम है, नॉइस प्रूफ तो नहीं कह सकते, बट वो आपको नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स भी देते हैं और ईयरप्लग्स भी अवेलेबल होते हैं, तो काफ़ी अच्छा सिटिंग एनवायरनमेंट है और कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रो मैट्रिक टेस्ट सेंटर जाके ही अपना एग्ज़ाम दो। अच्छा, और थोड़े बहुत प्रोसीजर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गया वहाँ पे, मैंने एंटर किया बिल्डिंग में, और उन्होंने मेरे से मेरी आईडी ली और मेरे से साइन करवाए कि आप चेक इन कर दो, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट किया, ज़्यादा वेट टाइम भी नहीं था वहाँ पे, और एक्चुअली सीटिंग एरिया में कोई नहीं था, सब अपने अंदर एग्ज़ाम दे रहे थे। तो जैसे ही मेरी सीट खाली हुई, मुझे उन्होंने जो फ्रंट डेस्क पे लेडी थी उन्होंने बुलाया, और उन्होंने आके मेरे को कहा कि अपनी पॉकेट दिखाओ जो वेरीफाई करने के लिए कि कोई मैं एक्सटर्नल डिवाइसेस तो नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने, और फिर वो जो मेटल डिटेक्टर होता है उसे एक बार चेक करके भी एवरीथिंग इज़ गुड, दे सेंट मी इनसाइड, और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रूम था, मैंने बैठ के एग्ज़ाम दिया। और जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है आपको रिजल्ट तभी पता लग जाता है कि आप पास हो या फेल हो, और जो फाइनल आपका जो रिजल्ट आता है वो आपको 2 घंटे बाद, अगर आपने ऑनलाइन दिया एग्ज़ाम तो 2 घंटे बाद आता है आपके पोर्टल में, जहाँ से आप अपना स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्ट चेक कर सकते हो। अच्छा, अब ना ये बात करते हैं कि मैंने इसकी प्रेपरेशन कैसे की और क्या मेरी स्टडी स्ट्रैटेजीज थी। तो देखो, मैंने इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं, Volume 1 और Volume 2। तो जो Volume 1 का एग्ज़ाम था वो मैंने, उसकी टोटल मेरा प्रेपरेशन टाइम था 2 मंथ्स, और हर रोज़ मैं सिर्फ 1 to 2 आवर्स देता था स्टडी को। Volume 1 थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और ये एक्चुअली मेरे Volume 1 में जो मेरी एक्चुअल परसेंटेज थी वो भी ज़्यादा हाई नहीं थी। तो मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे वो थे Volume 1 में मेरे थे 68%, और Volume 2 का जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें थे 70%, तो एवरेज मिला के 69% ओवरऑल मेरा स्कोर था। तो Volume 1 थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा उसे कवर करने में, और Volume 2 को मैंने दिया था ओवरऑल 1 मंथ, और हर रोज़ मैं 1 to 2 आवर्स स्टडी को डिवोट करता था। अच्छा, मैं स्टडी कैसे करता था, वो ये था कि मैंने इसके जितने भी, मैंने एक्चुअली ये वाला पैकेज लिया था यहाँ पे CSE वैल्यू पैक कॉम्बो, तो उसमें मेरे को CSE चेक मिला था जो कि एक्चुअली मॉक एग्जाम्स होते हैं, एक वीडियो कंपेनियन सीरीज मिली थी, मतलब जो भी आपका कोर्स का सिलेबस है उस पर एक प्रोफेसर है जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस आपको मिलती हैं साथ में, और उसके साथ साथ एक इंटरैक्टिव कोर्स मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें वो इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो वाला पार्ट भी इसमें था। तो मैंने ये 3 चीज़ें मेन यूज़ की। अच्छा, वैल्यू पैक कॉम्बो में ना आपको एक ट्यूटोरियल्स के कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं, मैंने वो पर्सनली पाया कि ये जो ट्यूटोरियल्स वाला सेक्शन था वो मुझे काफ़ी यूज़फुल नहीं लगा। मैंने जो 3 मेन चीज़ें यूज़ की वो थी, एक थी ये टेक्स्ट बुक जो हार्ड कवर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन PDF में पर्सनली मेरे से नहीं पढ़ा जाता, दूसरी CSE चेक जो मॉक एग्जाम्स थे, और तीसरा मैंने ये यूज़ किया कि जो वीडियो कंपेनियन सीरीज थी वो बहुत ही यूज़फुल थी। एक्चुअली 4 चीज़ें थी, चौथी ये जो इंटरैक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर वाले। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा कि आप CSE वैल्यू पैक कॉम्बो ही ले लो, कि आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल जाती है।
अच्छा तो ये तो हो गया जो टोटल टाइम डिवोटेड। अच्छा अब बात करता हूँ मैंने एक्चुअली स्टडी कैसे की। तो मैंने ये जो रिसोर्सेज यूज़ किए वो था वीडियो कंपेनियन सीरीज और CSE इंटरएक्टिव क्वेश्चंस। सो सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं वीडियोस को देखता था बहुत ही ध्यान से। जो प्रोफेसर जो समझा रहे होते थे वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छे से समझा रहे होते थे। और मैंने ये भी पाया कि क्वेश्चंस एक्चुअली काफ़ी तो ज़्यादा तो सिर्फ वीडियो देखने से ही, वीडियोस में ही उनके आंसर्स होते थे। तो वीडियोस एक बार देख ली, उसके बाद मैं CSE इंटरैक्टिव में जाके उसकी क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस वो वाली कंप्लीट कर लेता था। उसके बाद मैं बुक खोलता था और उसमें मैं थोड़ा सा स्किम करता था और जितनी भी मुझे चीज़ें लगती थी कि इंपॉर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर लेता था। फाइनली ये सब मैं 1 महीने या 2 महीने जितना भी मैंने टाइम डिवोट किया मैं हर चैप्टर के लिए ये चीज़ें रिपीट करता था। उसके बाद 5 डेज मैंने रखे हुए थे कि एग्जाम से पहले मैंने सिर्फ प्रेपरेशन के लिए और मॉक एग्जाम्स कंप्लीट करने के लिए। तो ये 5 डेज काफ़ी इंटेंसिव थे और मैं एक्चुअली आपको ये कहूँगा कि मेरे को जो मैक्सिमम बेनिफिट हुआ है ना वो सिर्फ इन 5 डेज की वजह से ही हुआ है, जो काम मैंने इन 5 डेज में किए हैं। और मैंने ये किया है कि सबसे पहले तो मैंने मॉक एग्जाम 1, 2 मॉक एग्जाम मिलते हैं आपको हर एग्जाम के लिए, आपको 2 मॉक टेस्ट मिलते हैं वॉल्यूम 1 के लिए भी और वॉल्यूम 2 के लिए भी। तो फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम 2 के लिए सबसे पहले मैंने मॉक एग्जाम 1 खोला और मैंने कहा जो जितनी भी प्रिपरेशन हुई है मैं मॉक एग्जाम 1 खोल के एक रफ स्कोर ले लेता हूँ कि मैं कितना स्कोर कर रहा हूँ। वो करके मेरा जो स्कोर आया था वो था 48% और मैं काफी शॉक हो गया था कि मैं पास नहीं हो रहा हूँ भाई, अब क्या करें। तो मैंने क्या किया, अच्छा बाय द वे जब मैं मॉक एग्जाम कर रहा था ना तो मैंने क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहा था साथ साथ कि कौन से क्वेश्चंस मुझे ट्रूली आते हैं जिनका मैं 100% श्योर हूँ और कौन से क्वेश्चंस मैं सिर्फ गैस कर रहा हूँ। तो जो गैस करने वाले क्वेश्चंस थे वो मैं साइड पे लिख लेता था, तो क्वेश्चन नंबर्स लिख लिए। फाइनली जब रिजल्ट आता था एग्जाम का, तो जो मॉक एग्जाम का जो टेस्ट रिजल्ट निकलता था तो वो मैं देखता था कि कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं और जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे और जो क्वेश्चन मैंने गैस किए थे। फॉर ईच क्वेश्चन मैं बुक में जाके देखता था कि वो कहाँ उनका आंसर दिया हुआ है, वो पैराग्राफ को पढ़ता था और उस सेक्शन को समझने की कोशिश करता था। और एक्चुअली इस स्ट्रैटेजी ने मुझे मैक्सिमम बेनिफिट किया और इसी की वजह से मैं पहली बार में एग्जाम को क्लियर कर पाया। और भी है इसके आगे, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस देख लिए, उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट 1 को ही दोबारा दिया ये चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअली मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ कि नहीं। तो ये जब मैंने दोबारा दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मॉक टेस्ट 1 में फॉर वॉल्यूम 1 मैंने स्कोर किया 94%। देखो ये सारा कुछ देखने के बाद भी, आंसर्स पता होने के बाद भी मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो मैं फिर वही प्रोसेस रिपीट किया, वापस गया और बुक में मैंने चेक किया कि कहाँ गलत हुई हैं चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको तीसरी बार नहीं किया मैंने इस एग्जाम को, मैंने फिर मॉक टेस्ट 2 पे मूव ऑन हो गया। और ये मॉक टेस्ट 2 को मैंने सिर्फ एक ही बार किया एक्चुअली, बट मैंने बहुत ध्यान से किया। सेम प्रोसेस, जो क्वेश्चन मैं गेस कर रहा था वो मैं नोट डाउन कर रहा था साथ साथ और उसके बाद जो गलत हुए वो भी मैंने नोट डाउन किए। मॉक एग्जाम 2 में फॉर वॉल्यूम 1 मेरा एक्चुअली स्कोर था 74%, विच वॉज क्वाइट नाइस और दैट वॉज अ पासिंग ग्रेड ओवर 60%। सो उसके बाद मैंने वही क्वेश्चंस अपने चेक किए कौन कौन से गलत हुए, लेकिन मैंने मॉक एग्जाम 2 को सेकेंड टाइम नहीं अटेम्प्ट किया। और मैंने ये पाया कि जो मेरी मॉक टेस्ट 2 की जो अटेम्प्ट थी ना, मेरा जो एक्चुअल स्कोर था एग्जाम में वो काफ़ी उसके क्लोज था। फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट 2 फॉर वॉल्यूम 1 मेरा स्कोर था 74%, लेकिन एग्जाम का एक्चुअल स्कोर था मेरा 68%, तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। फॉर वॉल्यूम 2 मेरा जो मॉक टेस्ट 2 का स्कोर था वो था 71%, और हैरानी की बात है फॉर द एग्जाम मैंने स्कोर किया 70% फॉर वॉल्यूम 2। सो मैं काफ़ी सरप्राइज था कि जो मॉक टेस्ट 2 के स्कोर्स निकल रहे थे ना ये सारा रीड करने के बाद, वो काफ़ी रिजेंबल कर रहे थे मेरे एक्चुअल स्कोर को। तो हो सकता है कि अगर आप मॉक टेस्ट दोगे इसी सेम टेक्निक में, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आप क्या स्कोर कर रहे हो। सो ओवरऑल ये लास्ट 5 जो इंटेंसिव डेज थे एग्जाम से पीछे जिसमें मैंने ये वाली तैयारी की, ये इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा कि आप ये अप्रोच को फॉलो करो बिकॉज मॉक टेस्ट आर रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा अगले सेक्शन में बात कर रहे हैं कि हु शुड टेक दिस कोर्स, ये कोर्स किसको लेना चाहिए और क्या आपके लिए ये बेनिफिट होगा भी या नहीं। तो देखो मोस्टली जिन लोगों को मैंने देखा ये कोर्स लेते हुए वो लोग हैं जिनका ऑलरेडी फाइनेंस में एक डिग्री है, अकाउंटिंग में डिग्री है और वो बैंक्स में काम करना चाहते हैं एज एन एसोसिएट और लॉन्ग टर्म गोल उनका एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन तरह की फील्ड्स में जाना है। तो वो ये वाला जो कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स है एज अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट उनको कंप्लीट करना पड़ता है ताकि वो एक्चुअली सिक्योरिटीज़ में डील कर सकें, ये उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है स्टेप 1। और अच्छा मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स की वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे आप करियर्स पे क्लिक करो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से करियर्स या क्रेडेंशियल्स हैं जो आप बन सकते हो ये कोर्स करने के बाद। वो है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर या CIM जो कि चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी सर्टिफिकेशंस करना सिर्फ कोर्सेज पे ही नहीं डिपेंड करता, आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने के बाद भी आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है ये डेजिग्नेशंस हासिल करने के लिए।
तो CSE इज जस्ट लेवल वन, इज जस्ट लाइक अ स्टेप वन ताकि आप ये करना शुरू कर सको। तो अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स आपका एंट्री पॉइंट हो सकता है एसोसिएट लेवल जॉब्स के लिए बैंक्स में। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस फाइनेंस वाली फील्ड में जाने का, स्टिल आपको कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स काफी हेल्प कर सकता है कैनेडियन इकोनॉमी ओवरऑल अंडरस्टैंड करने में। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स खुद मैनेज कर रहे हो तो उसमें भी आपको कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे मुझे काफी ज्यादा नॉलेज हुई है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और अपना कैसे उनकी रीबैलेंसिंग करनी है, कौन किस तरह के स्टॉक्स खरीदने हैं और मार्केट्स जनरली कनाडा में कैसे काम करती हैं और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह के, किस तरह के प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स तो मुझे पता ही नहीं था कि अवेलेबल होते हैं कैनेडियन मार्केट में और या कुछ प्रोडक्ट्स मुझे पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करते हैं। ये कोर्स लेने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुई है और खास करके कैनेडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है इसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुई है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। बट अगर आप करियर बनाने की सोच रहे हो तो मैं आपको वॉर्न करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स आपको हेल्प नहीं करेगा, थोड़ा सा आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा, थोड़ी सी आपको फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होगी इस फील्ड में, तो ही जाके आप एक एक्चुअली एंट्री लेवल जॉब हासिल कर पाओगे, जॉब आप ले पाओगे इस फील्ड में। कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स इज जस्ट अ बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ताकि आप इस फील्ड में एंटर कर सको। ये कोई डेजिग्नेशन नहीं है, डेजिग्नेशन आपको तब मिलेगी जब आप एक्चुअली सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे वेबसाइट पर जाओ सीएस कैनेडियन सिक्योरिटीज इंस्टीट्यूट की, आपको वहाँ पे डेजिग्नेशन पाथवेज मिलेंगे जहाँ पर आप देख सकते हो किसी भी डेजिग्नेशन को आपको अचीव करने के लिए एक पाथवे होता है। तो लेट्स से हम पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर पर क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे उन्होंने पूरा ग्राफ बनाया हुआ है जहाँ पे कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ों के थ्रू होना पड़ेगा, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइस, सर्टिफिकेट इन एडवांस फाइनेंशियल एडवाइस, और फिर जाके आपको कहाँ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानर मिलेगा। एक और देख लेते हैं यहीं पर डेजिग्नेशन पाथवेज में, एक चार्टर्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजर देख लेते हैं। तो इसके ये पाथ्स होते हैं, राउट टू कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स स्टेप वन, उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये एक और कोर्स है $3,000-$4,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी आराम से लग जाएगी करते करते, और फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक्स। इसके अलावा आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा फॉर्मल डेजिग्नेशन करने के लिए। तो वाइल आप ये कोर्सेज कर रहे होगे आप जॉब भी कर रहे होगे साथ साथ। सो अगर आपने करियर बनाना है तो ये रास्ते हैं, अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स जरूर करो। अच्छा आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं जॉब सर्च करके दिखा देता हूँ, अगर आप सर्च करो कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स के बारे में तो इस तरह की जॉब्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे उन्होंने रिक्वायर्ड स्किल्स, यहाँ पे उन्होंने मांगा हुआ है कि कंप्लीशन ऑफ कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स, और ये है एसोसिएट इन्वेस्टमेंट फंड सेल्स टोरंटो ऑफिस की जॉब है ये। बट इसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो आप कहीं भी जॉब लेने जाओगे आपको कैनेडियन सिक्योरिटीज कोर्स के अलावा भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए होंगी। और सैलरी एक्चुअली काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है अगर आपके पास थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है तो, और आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो काफ़ी अच्छे एंट्री पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में जॉब करने के लिए। सो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और मैं आपको मिलता हूँ आने वाली वीडियोज़ में।